नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी बावराज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है खरीफ फसलों के लिए, 62% तक बड़ी MSP केंद्रीय कैबिनेट का आज का ये फैसला हुआ है दोस्तों। तो खरीफ की फसलों के लिए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर केंद्र सरकार ने मोहर लगा दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी है। और कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं और भविष्य में इसी तरह वृद्धि होती रहेगी। वहीं नए कृषि कानून के विरोध को लेकर तोमर ने कहा कि किसान इन कानूनों पर तार्किक आधार पर अपनी चिंताएं लेकर आए, सरकार बात करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को अनुमति दे चुकी है। केंद्र ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले MSP में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी तिल यानी कि तल में 452 रुपये प्रति क्विंटल की MSP में वृद्धि की गई है। इसके बाद तुअर और उड़द दोनों में 300-300 रुपये की MSP में वृद्धि की गई है। तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50% तक MSP बढ़ाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले 7 साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए भी तैयार है। तो तोमर ने कहा है कि भाई केंद्र सरकार इस फैसले के बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 72 रुपये बढ़ा करके 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल ये राशि 1868 रुपये प्रति क्विंटल थी। तो उल्लेखनीय है कि MSP वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों को खाद्यान्न खरीदती है। तो जिन केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों ये जो MSP बढ़ाई गई है वो धान पर बढ़ाई गई है, धान पर 72 रुपये बढ़ाए गए हैं। तो पिछली बार जो धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 1868 रुपये था, अब 72 रुपये बढ़ाने के साथ ही 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। इसके साथ ही दोस्तों जो उड़द और जो तिल हैं उन पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तिल पर 452 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तुअर और उड़द दोनों पर भी 300 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। तो किसान भाइयों, ये खास खबर थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों के लिए मंडी में इस समर्थन मूल्य से कम भाव में माल नहीं खरीद सकते हैं, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा तय किया जाता है उस मर्म पे फिर से बढ़ोतरी एक बार और केंद्रीय कैबिनेट जो मीटिंग थी उसमें यह निर्णय लिया गया है। स्वयं प्रधानमंत्री उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और ये फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की भांति MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। दोस्तों अगर आपको सेवाएं पसंद आ रही हैं, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के आल पर प्रेस कर दें। दोस्तों, तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित MSP खरीफ फसल 21-22 वर्ष के लिए धान का जो सामान्य मूल्य है वो 1868 रुपये पहले MSP था, अब 1940 रुपये हो गया है, यानी कि 72 रुपये की वृद्धि की गई है। और धान ग्रेड ए में 1888 रुपये पूर्व में था, 1960 रुपये अप कर दिया गया है, इस पर भी 72 रुपये की वृद्धि की गई है। ज्वार की दोस्तों, हाइब्रिड ज्वार है, उसका पहले समर्थन मूल्य 2620 रुपये था, अब 2738 रुपये हो गया है, यानी कि 118 रुपये की वृद्धि की गई है। ज्वार मल डंडी वाली है तो 2640 रुपये पूर्व में समर्थन मूल्य था, 2758 रुपये अब समर्थन मूल्य किया गया है, यानी कि 118 रुपये की इसमें भी वृद्धि की गई है। बाजरा में दोस्तों 2150 रुपये समर्थन मूल्य पूर्व में था, 2250 रुपये अब किया गया है, यानी कि 100 रुपये की समर्थन मूल्य की वृद्धि की गई है। रागी में 3295 रुपये पूर्व में समर्थन मूल्य था, 3377 रुपये अब समर्थन मूल्य
किया गया है, यानी कि 82 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है। मक्का की दोस्तों बात करें तो 1850 रुपये पूर्व में समर्थन मूल्य था, अब 1870 रुपये किया गया है, यानी कि 20 रुपये की वृद्धि इस वर्ष की गई है। तुअर अरहर की बात करें तो 6000 रुपये समर्थन मूल्य पूर्व में था, अब 2021-22 में 6300 रुपये किया गया है, यानी कि 300 रुपये की वृद्धि की गई है। दोस्तों मूंग की बात करें तो 7194 समर्थन मूल्य पूर्व में था, अभी 7275 रुपये किया गया है और 79 रुपये की वृद्धि इसमें की गई है। उड़द की बात करें तो 6000 रुपये पूर्व में समर्थन मूल्य था और अब 6300 रुपये समर्थन मूल्य किया गया है, यानी कि उड़द में 300 रुपये की वृद्धि की गई है। मूंगफली की बात करें दोस्तों तो 5275 रुपये पूर्व में समर्थन मूल्य था, अब जो समर्थन मूल्य MSP है वो 5550 रुपये हैं, 275 रुपये की मूंगफली में वृद्धि की गई है। सूरजमुखी के बीज की बात करें तो 5885 रुपये पूर्व में समर्थन मूल्य था, अब 6015 रुपये हो गया है न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि 130 रुपये की वृद्धि 21-22 वर्ष के लिए की गई है। सोयाबीन, पीली सोयाबीन 3880 रुपये पहले समर्थन मूल्य था, अब 3950 रुपये समर्थन मूल्य हो चुका है, 70 रुपये की सोयाबीन में वृद्धि की गई है। तिल की बात करें दोस्तों तो 6855 रुपये समर्थन मूल्य पूर्व में था, अब 7307 रुपये समर्थन मूल्य किया गया है, यानी कि 452 रुपये की वृद्धि तिल में की गई है। दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों नाइजर सीड 6695 रुपये पहले समर्थन मूल्य था, अब 6930 रुपये किया गया, यानी कि 235 रुपये की वृद्धि इसमें की गई है। कपास मध्यम रेशा वाला जो कपास है उसकी बात करें तो 5515 रुपये पहले समर्थन मूल्य था, अब जो समर्थन मूल्य किया गया है दोस्तों वो 5726 रुपये किया गया है, यानी कि 211 रुपये की इस वर्ष समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है। कपास लंबा रेशा वाला जो कपास है उसकी बात करें तो 5825 रुपये पहले समर्थन मूल्य था, अब समर्थन मूल्य 6025 रुपये किया गया है, यानी कि 200 रुपये की वृद्धि इसमें की गई है। किसान भाइयों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा घोषित MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य 2021-22 खरीफ फसल के लिए बढ़ाया गया है, जिसकी रिपोर्ट मैंने पूरी पूरी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस समर्थन मूल्य का पता चल सके कि किस फसल में कितने की वृद्धि हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इससे कम रेट में नहीं बेचना है मार्केट में। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।